पदार्थ किसे कहते हैं? दूसरा बताओ। हाँ बताओ। जिसमें भार हो और जो अधिक जगह घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। एक तो पदार्थ वो होता है कि जैसे हमने कोई भी, अब हमारे जो टेबल पे जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ है ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ, सब पदार्थ है ये। तो पदार्थ ने क्या किया हुआ है इस मेज पे? एक जगह घेरी है भाई, इसने अपनी जगह, इसने अपनी जगह, वो सब ने अपनी अपनी जगह घेरी है। टेबल पे आके सबने क्या बना ली? अपनी जगह बना ली। तो यानी कि एक ये बात निकल के आ गई कि पदार्थ जो है स्थान घेरते हैं, और पदार्थ स्थान घेर रहे हैं ये बात आपके सबके सामने देखो है। और दूसरी बात ये कि पदार्थ में जो है कुछ ना कुछ उसका अपना भार होता है। अब जैसे भार है इसमें, yes. इसमें अपना भार है, इसमें अपना भार है, यानी जो भी आप पदार्थ छुएंगे इस मेज पे रखे हुए जितने भी पदार्थ हैं या इसके अलावा और भी आपको दिख रहे हैं तो वो सभी किसी न किसी स्थान पे रखे हुए हैं, यानी स्थान घेरे हुए हैं और उनमें अपना कुछ ना कुछ भार है, वजन है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? पदार्थ जो पदार्थ वे है जो स्थान घेरते हैं और जिनमें हाँ। अब हम जानेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या है, जो हमें अवस्थाएं पदार्थ की दिखती हैं किन किन अवस्थाओं में, अवस्थाएं मतलब किस किस रूप में वो मिलता है, क्या देखने में कैसा होता है, इस तरह की हम मतलब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि पदार्थ, पदार्थ तो आपने बता दिया पड़ा, अब फिर पदार्थ होता क्या है, कैसा दिख रहा है, किन अवस्थाओं में पाया जाता है, कैसा रूप है, तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं पहले हम क्या पता करेंगे? भौतिक अवस्था। तो किसी को पता है भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है पदार्थ की? तीन। तीन कौन कौन सी? गैस, वो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये हमारी एक मेन भौतिक अवस्थाएं हैं तीन पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा ठोस सब जानते हैं, ठोस में होते हैं ठोस पदार्थ कौन से होते हैं, सूरज पर बताएंगे? तो मैंने ये कांच के गुटके को इधर रखा तो इसका आकार बदल गया? नो। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि निश्चित का मतलब जो कभी बदलता नहीं है। अब जैसे ये है, ये प्लास्टिक, ये कैसा है? ठोस है, कैसा है? द्रव है क्या? ये क्या है? ये ठोस। अब हमने ठोस को यहाँ डाला, इसका आकार बदल गया? नहीं बदल गया। तो यानी कि ठोस के बारे में तीन चीजें निकल के आ गई, एक तो ये कि ये कड़े होते हैं, दूसरा ये इसका आकार जो है निश्चित होता है, ये कहीं भी रखे जाएं इनका आकार जो है नहीं बदलता है। अब बारी आई आयतन की, आयतन यानी कि इनकी जो स्थान घेर रहे हैं ये इसका आयतन हो गया। तो ठोस का आयतन निश्चित है या बदल जाएगा? मैं निश्चित। निश्चित है, हमने यहाँ रखा तब भी इसका वही आयतन, यहाँ रखा तब भी वही, इसमें रख दिया तब भी वही, यानी कि ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित। आकार भी क्या होता है? निश्चित। तो ये तो हमारे ठोस पदार्थ हो। अब बारी आई किसकी? द्रव पदार्थ की। द्रव किसे कहते हैं? बहता जो बहता है, यानी हरि ओम ने बताया जो बहता है। और कोई द्रव के बारे में और कुछ जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो आप बताओ, जैसे जो भी द्रव के बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है। मैम द्रव जैसे उसका आकार बदलता रहता है। हाँ वेरी गुड। क्या है अब द्रव? जैसे हमारे देखो ये तीन बर्तनों में द्रव है, पानी है इसमें तीनों में। अब आपने ये देखा कि जब हमने पानी इसमें रखा है बीकर में तो ये किसका आकार ले लिया इसने? बीकर में। गिलास में रखा है तो गिलास का, इसमें रखा है ये वाले बीकर में रखा है तो बीकर का इसका आकार ले लिया, यानी कि इसको जैसे बर्तन में डाला हमने इसने वैसा ही आकार ले लिया। तो आकार के मामले में हम द्रव को निश्चित कहेंगे या अनिश्चित? पहले आप ये जानते हो निश्चित अनिश्चित क्या है? जो निश्चित है अटल है, हमने कह दिया हमने ये फैसला ले लिया ये ऐसा होना निश्चित है, यानी पक्का है ऐसा ही होगा। अनिश्चित मैम जिसका पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अनिश्चित है, ये कोई पता नहीं है हमें। यानी कि उसे अनिश्चित क्यों कहा? क्योंकि वो जिस बर्तन में रखा जाए उसका आकार ले लेता है। बाल्टी में रखो बाल्टी जैसा, टब में रखो टब जैसा, गिलास में रखा गिलास जैसा, है ना। तो यानी कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। अब जैसे हमने ये ठोस लिया, ठोस को अगर बाल्टी में डालोगे तो भी ऐसी रहेगा, गिलास में डालोगे तो भी ऐसी रहेगा, कहीं आपने धरती पे डाला ऐसे ही रहेगा, द्रव फैल जाएगा, पानी जो है यहाँ डाला उधर तक फैल के चला जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा। तो यानी कि इसका आकार तो अनिश्चित है, कैसा भी आकार द्रव ले सकता है, लेकिन ठोस जो है वो निश्चित है, वो कैसा भी आकार नहीं ले सकता, वो जिस आकार का है उसका वही आकार रहेगा। तो समझ गए निश्चित अनिश्चित बातें समझ में आ गई। ठोस का जो है आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित, और द्रव का आकार जो है अनिश्चित और आयतन निश्चित। आयतन क्या होगा? निश्चित, यानी कि जितना इसमें है, जितनी जगह इसमें घेरेगा उतनी ही जगह उसमें भी वो घेरेगा। ठीक है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। निश्चित यानी कि जितनी मात्रा उसकी इसमें है, अगर हम दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उतनी ही मात्रा उसमें भी रहेगी, मात्रा में कम बढ़ नहीं होगी, उतना ही स्थान घेरेगी, जितना स्थान इसमें घेरे हुए है उतना ही स्थान दूसरे बर्तन में भी घेर लेगी। आ रही बात समझ में? यस मैम। अब तीसरी कौन सी भौतिक अवस्था है? मैम गैस। गैस तीसरी कौन सी है? गैस। क्या है गैस? देखा है किसी ने गैस कैसी है? चावल पकता है, पानी गर्म करते हैं तो एक भाप उड़ती है। अच्छा आपने धुआं नहीं देखा है लकड़ी जलती है, और मतलब जैसे भूच जाती है उसमें से एक धुआं बहुत तेजी से निकलता है। धूप बत्ती आप जलाते हो, अगरबत्ती आप जलाते हो, तो ये सब क्या है? गैस तो है, धुआं ही तो है एक तरह से। अब जैसे मेरे पास ये है, मैं ये आपको जला के दिखा रही हूँ, उड़ते हुए आपको दिखा दिख रहा है सबको? तो ये क्या है? अब धुआं दिखा इसमें से, तो ये धुआं देखो थोड़ी देर बाद हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाएगा, हमें नहीं दिखेगा, ये फैल जाएगा सब में। यानी कि हमने ठोस पढ़ लिया, द्रव पढ़ लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? गैस देख रहे हैं। आपने ठोस को अपनी आंखों से देखा, द्रव को भी देखा, और आपने गैस को भी देख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं आकार और आयतन की। तो कोई बता सकता है कि इसका आकार निश्चित होता है या अनिश्चित? मैम अनिश्चित। अब जैसे मैंने ये करा, मान लो इसमें कर दिया मोमबत्ती ऐसे करके लगा, अब इसका धुआं किसमें रह रहा है? गिलास में रह रहा है। तो अभी एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल सफेद सफेद दिखेगा आपको, यानी कि धुआं पूरी तरह से इसमें क्या हुआ है? भर गया, पूरी तरह भर गया। अच्छा तब तक ये भर रहा है, तब तक हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने वो देखा है ट्यूब, साइकिल के ट्यूब, मोटरसाइकिल के ट्यूब, तो जैसे आप हवा भरोगे उसका जैसा आकार होगा वो वैसा आकार अपना ले लेगा। हवा आपने बैलून में गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा जैसा आप उड़ाओगे छोटा है, यानी कि आपने अगर हवा जो है उसमें भरी, पतले टायर में भरी तो पतला टायर बन गया, चौड़े में भरी चौड़ा बन गया, गुब्बारे में भरी गुब्बारा जैसा बन गया, यानी कि उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। यानी गैस का भी आकार जो है कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब देखो इसमें लगने लगा, इसका आकार ले लिया उसने, अभी सफेद सफेद सा इसका पूरा आकार ले लेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल सफेद दिखेगा, ये धुआं ही धुआं इसमें जितनी देर हमने जलाई उतनी देर तक, और हमने जब हम इसको रखेंगे तो वो किसका आकार ले लेगा? इसका आकार ले लेगा, है ना। यानी कि क्या हुआ, केवल ठोस का आकार निश्चित होता है, बाकी द्रव का और गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आगे बात समझ में? ठोस होता है और द्रव का और गैस का आयतन जो है अनिश्चित। लंबा जा रहा है हमारा ना, द्रव और कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। ठीक है, गैस अवस्था। अच्छा अब हम पहले बात करते हैं आकार की। किसकी बात करेंगे? आकार।
आकार कैसा होगा? निश्चित। इसका आकार कहीं भी हम ठोस को रखेंगे उसका आकार नहीं बदलेगा। द्रव्यता कैसा होता है? अनिश्चित। द्रव्यता कैसा होता है? अनिश्चित। यानी कि ये जिस जगह जैसे बर्तन में रखा जाए ये वैसा आकार ले लेगा। और गैस का? गैस का भी अनिश्चित। अभी करके दिखाया ना गैस का, तो गैस भी जैसे बर्तन में भरी जाएगी ये उसका आकार ले लेगा। निश्चित। निश्चित है भाई, जैसा वो है किसी में भी रखो नहीं रहेगा, तो वो कैसा है? निश्चित। अच्छा द्रव का? निश्चित। द्रव का भी क्या है? निश्चित। अनिश्चित। द्रव का भी क्या है? निश्चित। हमारी मात्रा तो वही रहेगी। यस मैम। और गैस का क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित। निश्चित। अनिश्चित। तो ये आप समझ गए तीनों का आकार आयतन कैसे निश्चित है कैसे अनिश्चित है? पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं आ गई समझ में? अच्छा इसके अलावा हम और भी आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं को बांटते हैं। सबसे पहले हमने बांटा है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को, और किस भागों में बांटा है? नंबर एक पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी। वो जानता है पारदर्शी क्या होते हैं? yes. बताओ मैम। जिसके आर पार देखे, जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कि वैसे ही आपको नाम से ही पता लग रहा है पारदर्शी यानी पार दिखे, आर पार दिखे। अब जैसे ये कांच का गुटका है, दिख रहा है? yes, ma'am. मैं भी देख रही हूँ सबको। yes. और तुम भी देख रहे होगे मुझे। yes, तो यानी कि ये कैसा हो गया? पारदर्शी। अच्छा अपारदर्शी मैम जिसके आकार पर धुंधला दिखता है? नहीं, जिसके आकार बिल्कुल ना दिखे, जिसके आर पार ना दिखाई दे। अपारदर्शी आपार यानी कि जिसके आर पार नहीं दिखाई दे। और एक होता है पारभासी, तो पारभासी क्या होता है? हाँ बहुत धुंधला धुंधला आपको समझ में नहीं आ रहा है, हल्का सा दिख तो रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अब ये देखो एक ये कार्ड का हमने ये बनाया है, ये देखो ये सबसे पहले हमारे पास अपारदर्शी। हाँ कैसा पार्ट है ये? अपारदर्शी। पारदर्शी कैसा है? पारदर्शी। ये देखो मुझे भी आपका चेहरा दिख रहा है और आपको भी मेरा चेहरा दिख रहा है, ये हाथ देखो दिख रहा है सबको? तो ये हमारा हो गया पारदर्शी। कैसा हो गया? पारदर्शी हो गया ये। अच्छा ये जो है हमारा पारभासी, इसके आर पार मैंने बिल्कुल अपनी आंखों पे लगाया है तो मुझे हल्की धुंधली धुंधली सी चेहरे आप लोगों के नजर आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये कैसा माध्यम हो गया? पारभासी। कैसा हो गया? पारभासी। अच्छा ये कैसा है देखो? पारभासी। आप देख पा रहे हो मुझे? मेरा चेहरा दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे भी आप लोग नहीं दिख रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? तो यानी कि पारदर्शी का दर्शिता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर एक पारदर्शी, अपारदर्शी और एक ये हो गया पारदर्शी। समझ गए? अब तो कोई भी पदार्थ है आप एकदम पहचान लेंगे कि ये कैसा है, पारदर्शी है अपारदर्शी है। अच्छा दूसरे नंबर पे आता है घुलनशीलता के आधार, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे जैसे घुलन से ही मतलब समझ जाओ घोलना। हाँ, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं वो घुलते हैं। अच्छा ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं? मैम जैसे नमक है, हल्दी है, मैम गोली, मैम गोली गोली दवाइयां है छोटे बच्चे को, मैम चीनी है, चीनी चीनी है, नमक है, नमक है। और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो नहीं घुलते हैं? मैम जैसे कांच कह दो, कांच कांच का बुरादा है, कांच का बुरादा अगर आपने डाला तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। अच्छा हम देखते हैं आप कैसे
हैं। तो आप समझ गए, वैसे ही आपको पता है कि घुलनशील क्या है और अघुलनशील क्या है। घुलनशील वो जो घुल जाते हैं, घुल जाते हैं भाई, और अघुलनशील वो जो नहीं घुलते हैं। अब जैसे हमने ये ले लिया, तो हमने पानी के लिए ये गिलास हमने एक में डाला थोड़ा सा और हमने इसको खोल दिया। अब एक में हमने डाली थोड़ी सी, हमारी ये रेत वाली बालू है, अच्छा ये हमने रेत घोली है, रेत में थोड़ी सी मिट्टी भी होगी जिसके कारण इसका रंग ऐसा हो गया। लेकिन ये तली में जो बैठ गई है, तली में जो बैठी है, दिखी आपको रेत? यस मैम। यानी कि ये पूरी तरह से पानी में हमारी नहीं घुल पाई। जो इसके बहुत बारीक कण है उससे पानी जरूर गंदा हो गया, लेकिन जो इसके जो वैसे कण है वो पानी में नहीं घुले। अच्छा नमक भी देखो इसी के बराबर हमारा था मोटा, आप कहें कि वो मोटा था वो बारीक था, ऐसा नहीं। नमक भी देखो एक सही है, तो नमक आपको बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा। नमक जो है पानी में सभी तरह से क्या हो गया, घुल गया। अब थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी और साफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि पानी में पूरी तरह से मिल जाएगा। लेकिन इसमें रेत की जो बैठने की वो है मात्रा है, ये और बढ़ती रहेगी। अब ये जो गंदा पानी है इसमें से भी छन छन के हाँ पानी, तो यानी कि जो बालू है, जो रेतीली वो है मिट्टी, वो पानी में अघुलनशील है, और नमक जो है हमारा घुलनशील है। पता सबको है, लेकिन बस दिखाने का यही है कि आपको पता हो जाए कि कैसे घुलनशील और कैसे अघुलनशील हो जाए। पता है, हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब है हमारा कठोरता के आधार पर। अब आपने देखा होगा कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं बहुत कठोर, जो दवाई से नहीं दबते हैं, जिसे अभी आपने बताया कि ठोस की परिभाषा में मुझे। और एक पदार्थ ऐसे होते हैं मुलायम, जिसे कितना भी दबाओ आराम से दब जाते हैं। ऐसे बताओ, अच्छा मुलायम पदार्थ कौन कौन से हैं? मैम बॉल, बॉल भी कई तरह की आती है, एक गुलाबड़ वाली गुब्बारा, ठीक है, और रबड़ वाली बॉल, और सोखता, सोखता मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसे ये रुई है, रुई मुलायम है या कठोर? मुलायम। ये देखो दब गई आराम से। अब ये कांच का गुटका है, ये मुलायम है कठोर? कठोर। इसे मैं कितना ही दबाऊं इसका ना आकार बदलेगा ना कुछ, ऐसे ही रहेगा। और रुई का जो है मैं अपने हाथ से आकार बदल सकती हूँ, बदल दिया मैंने आकार, बॉल भी बना दिया, लंबा लंबा बना दिया। यानी कि मुलायम पदार्थ जो है आराम से आप लोग उसे क्या है हाँ दबा सकते हैं अपने हाथ से, आपके हाथ से आराम से वो दब सकता है। आपने ऐसे ऐसे बना दिया, मुलायम पदार्थ है तो लंबे आकार में आ गया, आपने ऐसे ऐसे इसको बना दिया बॉल के गोल बन गया, है ना। अब इसे कर सकते हो ऐसा? मुलायम नहीं कर सकते। तो ये पदार्थ क्या हो गया? कठोर। और ये पदार्थ हो गया मुलायम। तो कठोरता के आधार पर क्या है? कठोर पदार्थ और मुलायम। अच्छा अब एक आपका है चुंबकीय आधार पर। चुंबक सबने देखा है? यस मैम। देखा है? यस मैम। आपने देखा होगा कि चुंबक जो है कुछ वस्तुओं को खींचता है अपनी तरफ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? रुपया, रुपया, यानी कि आपने देखा होगा चुंबक जो है जो लोहे की चीजें हैं उनमें तो खींचा चलाएगा, खींचेगा उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जो वैसी चीजें हैं जैसे प्लास्टिक की है, पट्टे की है, गत्ता है, लकड़ी है, इन्हें चुंबक नहीं पकड़ेगा। जैसे देखते हैं ये चुंबक है मेरे हाथ में, सबने देखा है ना चुंबक, और सबने खेला भी होगा इससे, छोटे बच्चे ऐसे चिपका चिपका के खेलते हैं ना। वो मैम हाथ चिपकाते हैं, पार दोनों तरफ हाँ चुंबक चुंबक करके तो वो अपनी तरफ खींचता है। अच्छा ये मेरे पास देखो प्लास्टिक का सामान है, कैसे पता? अब आपको लोहे जैसा भी तो दिख रहा है, मैंने आपसे कह दिया कि लोहे का है, आपको यदि दिखाओ मैं कैसे है लोहे का, मैं चुंबक को ले गई हूँ बाहर, चुंबक में खींचा इसे चिपका, चुंबक चिपका नहीं चिपका, यानी कि ये लोहा नहीं,
क्या है? लाते। अगर ये लोहे का होता तो चिम्मक एकदम चिपक जाता, ठीक है? यानी कि इस पदार्थ को हम बोलेंगे अचुम्बकीय पदार्थ। अचुम्बकीय पदार्थ, जिसे चुम्बक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है, जो नहीं इसमें चिपक रहे हैं, वो सब कैसे पदार्थ हो गए? अचुम्बकीय। अब जैसे लोहा ले लिया मैंने, ये लोहे की पत्ती है, चिपक गया, हाथ से तो नहीं पकड़ा है ना मैंने इसे, ये चिपक गया। तो ये जो लोहा है ये कैसा पदार्थ हो गया? अब ये गत्ता लिया मैंने, ये कैसा है? तो ये सब हमारे कैसे पदार्थ हो गए? ये प्लास्टिक का डिब्बा लिया, अच्छा मैंने ये लोहे की पत्ती ले ली, ये कैसा पदार्थ हो गया? चुम्बकीय। अब जैसे इस पे ये गुड्डा लगा हुआ है, चुम्बकीय, गुड्डी कैसे हो गई? चुम्बकीय, लोहे की बनी हुई है, यानी कि चुम्बकता के आधार पर, चुम्बकीय आधार पर कितने भागों में बटे हैं हमारे पदार्थ? दो, एक चुम्बकीय पदार्थ और एक अचुम्बकीय, जिसे चुम्बक अपनी तरफ आकर्षित कर ले यानी कि उसपे चिपक जाए तो वो चुम्बकीय पदार्थ, और जिसपे नहीं चिपके वो अचुम्बकीय। तो आपको समझ में आ गया ये? यानी कि अब हम शुरू से एक साथ पूरा देख लेते हैं। हमने क्या जाना? पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? अन्न आधार पर कितने भागों में बांटा गया पदार्थ? दो नहीं, अलग अलग, अलग अलग भागों में बांटा। जैसे पारदर्शिता के आधार पर तीन भागों में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी। घुलनशीलता के आधार पर मैम दो भागों में, घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ। कठोरता के आधार पर दो भागों में, कठोर पदार्थ और मुलायम पदार्थ। और चुम्बकीय आधार पर चुम्बकीय पदार्थ और अचुम्बकीय। सबकी स्थिति के बारे में आपने देख लिया? यस मैम। घुलनशील क्या है, चुम्बकीय क्या है, गैसीय क्या है, द्रव कैसा है, क्या है, सब आप जान गए? यस मैम। सबको पता लग गया?